AHNB ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चे एवं बच्चियों का स्वागत है। बच्चों, आज हम लोग क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स में जो लेसन 2 रिलेशन एंड फंक्शन चल रहा है, उसमें एक्सरसाइज आपकी बुक से, एनसीईआरटी के बुक से जो एक्सरसाइज 2.1 है, उसको आप लोग सॉल्व करेंगे। और इसके पिछली वीडियो में आप लोगों ने कुछ आर्टिकल देखा था, आज हम लोग कुछ दो क्रमित युग्म यानी ऑर्डर पेयर दिए रहेंगे, उनका हम लोग कंपेरिजन किया जाएगा और टू डायमेंशन और थ्री डायमेंशनल में हम लोग कुछ निर्देशांक के बारे में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो आइए बच्चों, शुरू करते हैं क्लास 11 सब्जेक्ट मैथ्स और जो लेसन 2 था बच्चों, यह था रिलेशन एंड फंक्शन, संबंध एवं फलन। उसमें आप लोग की पहली एक्सरसाइज जो थी, एक्सरसाइज होगी टू पॉइंट वन यानी लेसन भी यह 2 होगा और यह लेक्चर भी 2 ही होगा। ये जो लेक्चर होगा बच्चों, ये भी आप लोगों के बीच में लेक्चर 2 जाएगी और यह होगा 2। तो आइए, इसमें हम लोग पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि यदि a बराबर ये दिया हुआ है, कोई सेट दिया हुआ है, जैसे यहां से मैं 2 और 4 लिखता हूं और b एक सेट है जिसके एलिमेंट मैं मान लीजिए लिख देता हूं 3 और 5 लिख दिया, तो इस तरह से हम लोगों ने a गुणे b यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट जो था, कार्तीय गुणनफल जो था, मैं लिख देता हूं यहां से जो कार्तीय गुणनफल आया था, तो यहां से 2 a को पहले लिख रहे हैं, तो इसलिए a सेट के एलिमेंट को हम लोग पहले लिखेंगे बच्चों। तो यह हो जाएगा 2 और 3 और यह हो जाएगा 2 और 5, इस तरह से 4 और 3 और 4 और 5 हो गया। तो यह जो पॉइंट जो आ रहे हैं बच्चों, यह एक तरह से निर्देशांक के काम करेंगे। निर्देशांक में भी यह 2 डायमेंशनल द्विविमीय यह निर्देशांक बन रहे हैं। यह जो बनना है, यह 2 डायमेंशनल यानी द्विविमीय 2 डायमेंशनल, यह जितने निर्देशांक बनेंगे यह द्विविमीय बनेंगे। और द्विविमीय में आप लोगों ने पढ़ा भी था कि एक में भी यहां से मैं लिखता था यक्स और वाई, जहां यक्स बिलोंग्स टू यानी यक्स वाई, यक्स बिलोंग्स टू ए एंड वाई बिलोंग्स टू बी था। अब इसी पर हम लोग टू डायमेंशनल में
रियल नंबर पर हम लोग अध्ययन करेंगे। वास्तविक संख्याएं जैसे मान लेता हूं कि कोई एक सेट आर है और यह सेट आर जो है यह वास्तविक संख्याओं का एक सेट है। यहां से मैं लिखता हूं यहां यक्स बिलोंग्स टू यक्स सच दैट यक्स बिलोंग्स टू आर में लिखता हूं बच्चों, यानी आर कोई जो है यह एक सेट है और वो सेट में जो एलिमेंट है बच्चों वह रियल नंबर है। या मैं इसको आर ना लिख करके कुछ भी इसको लिख सकता हूं, ए भी लिख सकता हूं कि ए एक सेट है जिसके एलिमेंट जो है वो सब रियल नंबर है। तो जब हम लोग ए गुणे ए निकालेंगे बच्चों तो यह जो आएगा यक्स यक्स या यक्स वाई जो भी आएगा यहां से यक्स और यक्स लिख देता हूं या यक्स वाई लिखेंगे जहां यक्स बिलोंग्स टू आर होगा। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो आएंगे यक्स यक्स आएगा यक्स वाई आएगा वे टू डायमेंशनल आएंगे। ये क्यों कौन से आएंगे बच्चों, ये टू डायमेंशनल निर्देशांक आएंगे द्विविमीय। जैसे जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं यह कहूं कि अगर कोई सेट ए है और जिसके एलिमेंट मैंने लिख दिया एक और दो लिख दिया, तो बच्चों हम लोग ए गुणे ए जब पढ़ेंगे तो ए गुणे ए जो आएगा बच्चों अर्थात ए को हम फिर दोबारा लिख दे रहा हूं एक और दो लिख दिया, तो जो ए गुणे ए आएगा वह आएगा एक एक या आएगा एक दो, अगला आएगा दो एक, अगला आ जाएगा दो दो। तो इसीलिए मैंने लिखा कि एक के एक जो होगा यह एक्स भी हो सकता है और वाई भी हो सकता है। तो इसलिए यह जो आ रहा है इसको हम लोग लिखेंगे एक्स वाई, और एक्स वाई जो यक्स जो है पहले सेट का एलिमेंट होगा और वाई जो है दूसरे सेट का एलिमेंट होगा, मगर यहां पर दोनों सेट ए ही है इसलिए हम लोग इसको यक्स यक्स लिख दिए और यक्स बिलोंग्स टू आर लिख दिए। यानी आर यक्स जो एलिमेंट होगा कौन सा एलिमेंट है, कहां से आया बच्चों, रियल नंबर से वो आया है और वह रियल नंबर जो है किस सेट से आया है, ए से आया है। तो हम लोगों ने टू डायमेंशनल में हम लोगों ने देख लिया। अब यहां से हम लोग थ्री डायमेंशनल त्रिविमीय आकाश यानी वो थ्री डायमेंशनल स्पेस पर हम लोग चर्चा करेंगे। जो आप लोगों के जो 30% का जो सिलेबस रिमूव किया गया है उसमें भी यह सिलेबस रिमूव कर दिया गया है थ्री डायमेंशनल का, मगर आप लोगों को ज्ञान की दृष्टि से मैं आप लोगों को बता रहा हूं। इसके बाद एक्सरसाइज हम लोग सॉल्व करेंगे, तो इसको पहले आप लोग बच्चों नोट कर लेंगे। मिटा देते हैं बच्चों। आइए बच्चों अब हम लोग चलते हैं थ्री डायमेंशनल यानी त्रिविमीय आकाश भी इसको लिख सकते हैं या यहां से मैं स्पेस लिख दे रहा हूं थ्री डायमेंशनल स्पेस। इसका क्या मतलब, आप लोगों ने अब तक टू डायमेंशनल पर आप लोगों ने अध्ययन किया, अब थ्री डायमेंशनल का मतलब यह हो गया जैसे कोई मैं एक सेट ए लिया और जिसके एलिमेंट मैंने लिख दिया एक और दो लिख दिया। तो बच्चों जब हम लोग a इंटू ए निकालेंगे तो a इंटू ए क्या आएगा,
या आ जाएगा एक एक, अगला आएगा एक दो, इसके बाद आएगा दो एक और अगला आएगा दो दो आ जाएगा। तो यह जो आया बच्चों ना ए इंटू ए में जो यह आपको आ रहे हैं जो एलिमेंट बन रहे हैं, जो एलिमेंट एक 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 दो दो एक दो दो बन रहे हैं, यह टू डायमेंशनल के बन रहे हैं। यह है टू डायमेंशनल अर्थात द्विमीय। अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी ए का हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालेंगे। तो ए अगर हम लोग यहां से देखें कि ए गुणे और ए गुणे ए हम लोग निकाल रहे हैं, इसका यह अर्थ हो गया कि ए जो है आपका एक दो है और यह क्या है बच्चों एक एक। इसको समझने की कोशिश कीजिएगा, आपके सिलेबस से यह हटा दिया गया मगर ज्ञान की दृष्टि से आप लोगों को मैं बता रहा हूं, नॉलेज की दृष्टि से आप लोग बता रहा हूं, आप लोग जरूर इसको ध्यान पढ़िएगा और नोट कर लीजिएगा। तो एक एक है और यहां से एक दो है, यह है दो एक है और यहां पर दो दो है। तो थ्री डायमेंशनल का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे हम लोग निकालते हैं उसको ध्यान देना। आपको यह ए दिया गया था तो एक में ए हम लोगों ने निकाल लिया टू डायमेंशनल में। अब एक गुणे एक गुणे ए निकाल रहा हूं तो ए तो आपका यह है बच्चों और एक गुणे ए आपका यहां से आया है। अब इसका जब गुणा करेंगे हम लोग तो एक का इसमें होगा गुणा तो यह हो जाएगा एक 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 होगा, इसके बाद एक का इसमें गुणा होगा तो यह हो जाएगा एक एक दो होगा। इस तरह से एक दो एक हो जाएगा, यहां पर क्या हो जाएगा बच्चों एक दो दो हो जाएगा। अगला आप दो का इसमें गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा दो एक एक हो जाएगा, इसके बाद दो एक दो हो जाएगा, इसके बाद दो दो एक हो जाएगा और अगला जो देखेंगे दो दो और दो हो जाएगा। तो यह जो आपको निर्देशांक बन रहे हैं या आपको थ्री डायमेंशनल के बन रहे हैं, यह होंगे थ्री डायमेंशनल स्पेस अर्थात त्रिविमीय आकाश। थ्री डायमेंशनल का स्पेस बच्चों यह वायुमंडल में बनता है, यह किसी समतल पर नहीं बन पाता है, इसको हम आप लोग पर बाद में अध्ययन कराएंगे। तो हम लोग आज केवल इतना ही देखना था इस लेक्चर में, हम लोग पढ़े हैं कि टू डायमेंशनल में यह जैसे आप लोग को इस तरह से निकला तो इसमें दो मान आएंगे, एक के बाद एक कामा लगा देंगे और यह जो एलिमेंट एक एक एलिमेंट होंगे। जब यहां पर देखिए बच्चों जो यहां से आप लोगों ने देखा कि सेट ए में कितने एलिमेंट है दो दो एलिमेंट है, तो ए गुणे ए में कितने हो गए तो दो गुणे दो अरे एक दो तीन चार चार एलिमेंट हो। इसको मत एलिमेंट कीजिएगा एक दो तीन चार पांच छह सात आठ नौ, गलत गलत बच्चों। ए गुणे ए में कितने एलिमेंट आएंगे, यह ऑर्डर पेयर का एलिमेंट बनता है, क्रमित युग्म का एलिमेंट बनता है बच्चों। तो इसलिए इसमें हो जाएगा एक दो तीन चार, चार एलिमेंट इसमें हो जाएंगे। अगर मैं इसी बात करूं एक में एक में ए में, इसको एक में ए कहें तो इसमें कितने एलिमेंट बन गए एक दो तीन चार पांच छह सात आठ एलिमेंट बन गए। कैसे बने ध्यान देना, इसमें जब यहां से देखेंगे तो एक में ए निकालेंगे तो चार और चार का फिर दो में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे आठ हो जाएंगे। इस तरह से थ्री डायमेंशनल में कुल कितने नंबर हो गए एलिमेंट हो गए आठ हो गए। ठीक है बच्चों, तो हमें यकीन है कि आप लोग को थ्री डायमेंशनल में भी समझ में आ गया होगा। अगर आपने एक्सरसाइज में ए इंटू ए निकालने के लिए कहेगा तब भी आप लोग याद कर लेंगे, या ए इंटू ए इंटू ए या पी इंटू पी इंटू पी ऐसे आर इंटू आर इंटू आर जो भी कहेगा आप लोग उसको निकाल सकते हैं बच्चों। तो अब हम लोग अगली हेडिंग देखेंगे।
इसको पहले आप लोग नोट कर लेंगे बच्चों। मिटा दे बच्चों, चले बच्चों अगली हेडिंग हम लोग चलेंगे, एग्जाम्पल की चलेंगे। अगर दो क्रमित युग्म आपस में बराबर हो तो कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट के बराबर होगा, यह थोड़ा ध्यान देना। यानी दो जैसे मैं यह कह रहा हूं, यह एक आर्डर पेयर दिया क्रमित युग्म लिखा है एक्स वाई, और यहां से मैंने लिख दिया एक और दो लिख दिया बच्चों। अब आप लोग घर पर सवाल आप लोग लगाएंगे, जो एक्सरसाइज 2.2 चल रही है, 2.2 सॉरी कर रहा हूं 2.1 है, 2.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लोग जरूर लगाएंगे, मगर उसमें के कुछ एग्जांपल के तौर पर मैं आप लोगों को बता रहा हूं। जैसे यहां से मैंने एक एग्जांपल बनाया और इस एग्जांपल में क्या है कि दो क्रमित युग्म की समानता, हेडिंग आपकी बन सकती है दो क्रमित युग्म की समानता। तो इसको जब हम लोग इक्वल करेंगे तो अगर कहेगा कि एक्स वाई का मान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे बच्चों कि एक्स का मान इसमें से कौन सा लेंगे, तो इस आर्डर पेयर में जो पहला वाला एलिमेंट है, इस आर्डर पेयर के पहला वाला जो एलिमेंट है वह उसके बराबर हो जाएगा। तो यहां से एक्स का मान जो होगा बच्चों एक आ जाएगा, और y का जो मान होगा, ये जो y का मान होगा बच्चों यह दो हो जाएगा। तो यह ध्यान देना कि पहला पहले के बराबर, दूसरा दूसरे के बराबर। जैसे मैं यह कहूं, एक एग्जांपल और बनाता हूं, और मैं यह कहूं कि यहां से मैं लिख दिया, मान लेता हूं कि x प्लस वाई लिख दिया, और यहां पर मैं x माइनस वाई लिख दिया, x प्लस वाई है और यहां x माइनस वाई है, ठीक है बच्चों। और यहां पर मैं लिख दिया, मान लेता हूं यहां से 9 लिख दिया, यहां पर 9 लिख दिया, और यहां पर मैं 3 लिख दिया। कह रहा है कि इस एग्जाम्पल में क्या करा कि x प्लस वाई और x वाई x माइनस वाई यह एक आर्डर पेयर है, और इधर मैं लिख दिया इसी आर्डर पेयर को क्रमित युग्म 9 और 3 लिख दिया हूं, तो कहेगा कि x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हम लोग क्या करेंगे, यहां से जब कंपेरिजन करेंगे बच्चों, जब तुलना करेंगे हम लोग, तो x प्लस वाई जो है यानी इसका पहला इसके पहले के बराबर होगा, तो अर्थात यह हो जाएगा x प्लस वाई बराबर 9 होगा, और x माइनस वाई बराबर इसका दूसरा और इसका दूसरा इसके बराबर हो जाएगा। तो x प्लस वाई बराबर 9 और x माइनस वाई बराबर 3 हो गया। तो यहां से क्या होगा, हम लिखेंगे क्या, इसको मान जब निकालेंगे तो यहां से x माइनस वाई बराबर 3 है, तो इसको दोनों को समीकरण मान करके आप लोग क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इसलिए जोड़ देंगे अगर, तो यह आ जाएगा 2x बराबर 12 हो गया, तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, और x का मान अगर कहीं रख देंगे इसमें तो y का मान क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। समीकरण 1 में x का मान रख करके y का मान हल कर सकते हैं, तो 3 x बराबर 6 है, तो 6 धन y बराबर 9, तो 6 को ट्रांसफर कर देंगे तो y बराबर क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। तो इस तरह से x और y का मान आप लोग ज्ञात कर सकते हैं और कार्टेशियन प्रोडक्ट भी निकाल सकते हैं। अब हम आपको कुछ एक एग्जाम्पल और हम आप लोगों को बताते हैं। जैसे मान लीजिए, इसको पहले नोट कर लेंगे बच्चों, मैं इसको मिटा देता हूं और एक एग्जाम्पल और आप लोगों के बीच में बताने की कोशिश करता हूं। तो बच्चों एक एग्जाम्पल और आप लोगों के बीच में यह है, यह एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल 3 है, और इसमें एक सेट ए बराबर दिया हुआ है, दूसरा सेट बी बराबर दिया हुआ है, और तीसरा सेट सी इस तरह से दिया हुआ है, और कह रहा कि ए क्रॉस यानी ए कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है बी इंटरसेक्शन सी का। यहां से कह रहा कि ए क्रॉस बी निकालिए और ए क्रॉस सी इधर निकालिए, जहां पर ए दोनों में कॉमन हम लोग को दिखाना है। यहां पर बी यूनियन सी निकाल करके ए का क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है, इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है।
यहां से कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, ए और सी का कार्टेशियन निकालना है, तो इस तरह से जो कार्तिक गुणनफल हम लोग को निकालना है उस पर हम लोग ध्यान देंगे। तो जैसे पहला ए बराबर तो यह दिया हुआ है बच्चों, और यहां से बी इंटरसेक्शन सी कह रहा है, तो अगर यहां से देखें कि ए बराबर आ गया एक दो तीन, और यहां से बच्चों बी इंटरसेक्शन सी जब निकालेंगे तो बी इंटरसेक्शन सी का क्या मतलब हुआ, आप लोगों ने सेट थ्योरी में पढ़ा था कि ऐसा एलिमेंट जो बी और सी में क्या हो, कॉमन हो, तो कौन सा एलिमेंट कॉमन हो रहा है बच्चों, चार्ज कॉमन हो जा रहा है। इस तरह से पहला अगर हम लोग सॉल्व करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि यहां से कह रहा कि ए क्रॉस और बी इंटरसेक्शन सी का मान ज्ञात कीजिए, तो ए यह हो गया और बी क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी यह वाला एलिमेंट हो गया, तो ए कार्टेशियन करना है, ए कार्टेशियन करना है यानी कार्तिक गुणनफल करना है, तो ए गुणे बी इंटरसेक्शन सी निकालना है, तो यह हो जाएगा क्या बच्चों, एक चार, इसके बाद क्या होगा दो चार, इसके बाद क्या हो जाएगा तीन चार, अब क्या होगा एक चार दो चार तीन चार, यही आएगा। तो यह जो आ गया ए और बी इंटरसेक्शन सी का कार्टेशियन यानी गुणनफल, तो इस तरह से ए यह हो गया और बी इंटरसेक्शन सी हो गया, इस तरह से निकल गया, तो पहला वाला निकल गया बच्चों। अब दूसरा वाला सवाल देखिए, अब दूसरा वाला हम लोग सॉल्व करें, तो दूसरा वाला कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान देना, कह रहा कि ए और बी का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है, तो ए गुणे बी पहले हम लोग निकालेंगे, ए गुणे बी का मतलब क्या हो गया कि एक तीन एक चार, एक तीन एक चार, फिर दो तीन दो चार, इसके बाद तीन तीन, इसके बाद तीन चार, तो यह आ गया बच्चों ए गुणे बी आ गया, और एक बार ए गुणे सी निकालना है, तो ए गुणे सी जब निकालेंगे बच्चों तो वह ध्यान देना ए और सी का कार्टेशियन प्रोडक्ट करना है, तो ए और सी का जब निकालेंगे तो क्या होगा एक चार, इसके बाद एक पांच, एक चार एक पांच एक छह, इसके बाद दो चार, दो चार के बाद दो पांच, दो पांच के बाद दो छह, इसके बाद तीन चार, तीन चार के बाद तीन पांच, और तीन पांच के बाद तीन छह होगा, तीन पांच का अंक बड़ा खतरनाक हो गया तीन पांच। अब यहां पर ध्यान देना बच्चों, इस सवाल में कह रहा कि ए बी का जो गुणा आया है यह, और ए और सी का जो गुणा आया है यह जो दोनों कार्टेशियन प्रोडक्ट आए हैं, इन दोनों में कॉमन क्या है, कॉमन आपको खोजना है बच्चों, तो यहां से लिखेंगे ए गुणे बी इंटरसेक्शन ए गुणे सी, तो इसमें कॉमन कौन कौन होंगे, एक तीन इसमें है, इसमें कहीं एक तीन नहीं है, एक चार भी जा रहा बच्चों, तो इसलिए यहां से लिखाएगा एक और चार, इसके बाद दो तीन इसमें है, कहीं दो तीन दिखाई दे रहा बच्चों नहीं है, दो चार इसमें है, दो चार यहां मिल गया, दो चार ये भी कॉमन हो गया, तीन तीन इसमें है, कहीं तीन तीन है नहीं है, तीन चार देख लीजिए, तीन चार मिल जा रहा है, तीन चार यहां से मिल जा रहा है, तो हमें खोजने में हो सकता है दिक्कत हो, आप लोग इसको मिला कर लीजिएगा,
हमको सिर्फ समझाना है आप लोगों को बच्चों, है ना, आप लोग इसको समझ रहे होंगे आर्टिकल को। तो इस तरह से यहां से एक में भी इंटरसेक्शन एक राशि हम लोगों ने भी देख लिया। अब तीसरा कारण है कि बी यूनियन सी पहले निकाले और बी यूनियन सी निकालने के बाद इसका ए का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो बी यूनियन सी जब निकालेंगे बच्चों तो ये थोड़ा बड़ा सवाल हो जाएगा। बी यूनियन सी का मतलब यह हो गया कि बी और सी को हम लोगों को जोड़ना है। तो ध्यान देना बच्चों, जो हम लोग यहां से निकाले कि बी यूनियन सी और बी यूनियन सी का जो एलिमेंट हो जाएंगे तीन चार पांच छह हो जाएंगे, तीन चार पांच, तीन चार पांच छ हो गए, तीन चार पांच छह, चार एलिमेंट हो गए। तो यह बी यूनियन सी हो गया और ए आपका दिया हुआ है बच्चों। ए क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है एक दो तीन दिया हुआ है। तो इस तरह से ए गुणे कह रहा है, देखिए यह सवाल है तीसरा नंबर है बच्चों, कह रहा कि ए गुणे बी यूनियन सी निकालना है। तो ए गुणे बी यूनियन सी जब निकालेंगे बच्चों तो यह आएगा क्या, एक तीन एक चार एक पांच एक छह, इसके बाद दो तीन दो चार दो पांच दो छह, इसके बाद तीन 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 के बाद तीन चार, तीन चार के बाद तीन पांच और आएगा तीन छह आएगा। तो इस तरह से ए गुणे बी यूनियन सी का भी मान निकल गया। और यहां से एक सवाल लास्ट में बचा हुआ है, एक क्रॉस बी निकालिए और एक क्रॉस सी निकालिए और इसको फिर क्या करना हम लोग को जोड़ देना है बच्चों। तो एक क्रॉस बी निकला हुआ है और एक क्रॉस सी यहां पर भी निकला हुआ है और इसको जब जोड़ देंगे बच्चों तो जोड़ने का मतलब कोई एलिमेंट दोबारा नहीं आना चाहिए, तो जो कॉमन है उसमें से केवल एक बार हम लोग लिख देंगे, ठीक है बच्चों। जैसे ध्यान दीजिए एक क्रॉस बी, अगर मैं यह चौथा सवाल बनाऊंगा कि एक क्रॉस बी, एक क्रॉस बी यूनियन एक क्रॉस सी, तो आप लोग क्या करेंगे कि एक क्रॉस बी और एक क्रॉस सी के जो एलिमेंट में जो कॉमन था बच्चों उस कॉमन में से दो बार हम नहीं लिखेंगे केवल एक बार लिखेंगे। तो हमें यकीन है कि आप लोगों को इस तरह से जो एक्सरसाइज अभी मैं सॉल्व नहीं किया हूं बच्चों, एक्सरसाइज में सॉल्व नहीं किया, बस एक्सरसाइज की मैंने आर्टिकल सिर्फ आप लोगों को आज बता पाया और अब इसके बाद जो होगी वह एक्सरसाइज आप लोग सॉल्व जरूर कीजिएगा और जो क्वेश्चन ना समझ में आवे वे कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख करके जरूर हमें बताइएगा। तो इसी के साथ आज का लेक्चर मैं यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा और नोट करने के बाद आप लोग इसको घर पर एक्सरसाइज को लगाने का काम जरूर करिएगा। तब तक के लिए क्लोज कर रहे हैं, बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।